एवरीवन, और आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो भी इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। और ये हॉल वीडियो है जो मैंने वहाँ लाजपत नगर से ख़रीदा है। लाजपत नगर वो नहीं जो सेंट्रल मार्केट नहीं, लेकिन वहाँ पर एक और मार्केट है जो रेडीमेड्स की मार्केट है, होलसेलर की रेडीमेड्स की मार्केट है। बट वहाँ पर कुछ शॉप्स हैं जो रिटेल भी करती हैं। वहाँ पर आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी, कुर्तीज मिल जाएंगी, अनारकली सूट्स मिल जाएंगे, या जो भी लेटेस्ट फैशन चल रहा है वहाँ पर मिल जाएगा। बट वेस्टर्न वेयर इतना नहीं वहाँ पर मिलता, और प्लाजोज, स्लैक्स, दुपट्टे सब कुछ वहाँ पर ऐसा मिलता है। और अगर आपके घर में किसी की शादी है, या आपकी शादी है, या कोई फंक्शन आ रहा है और आपको ड्रेस खरीदनी है, तो वो बेस्ट मार्केट है सिर्फ छोटे साइजेस के लिए। बिकॉज मेरा वहाँ पर इतना ढूंढने पर एक ही ड्रेस मिली थी। वहाँ पर कई शॉप्स में चेंजिंग रूम भी होते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक ही ड्रेस मिली थी जो मैंने ट्राई करी, जो मेरे को सिर्फ नेक पर वर्क दे रहे थे, बट वो बहुत ही कॉस्टली थी, तो मैंने वो नहीं खरीदी। और अगर आप छोटे साइज़ हैं तो वो तो बेस्ट मार्केट है रेडीमेड की। वहाँ पर डेली वेयर कुर्तीज़ भी मिल जाती हैं, ऑफिस वेयर कुर्तीज़ भी मिल जाती हैं। तो मैंने वहाँ से सिर्फ 5 कुर्तीज़ खरीदी, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो चुकी थी तब तक। और हाँ, और मुझे आगे सेंट्रल मार्केट भी जाना था थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि वी लव शॉपिंग, आई लव शॉपिंग। तो आज मैं आपके साथ वो कुर्ती शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो करने वाली हूँ, व्लॉग करने वाली हूँ सरोजनी नगर और ये लाजपत नगर के, जहाँ पर ये प्लस साइज़ के कपड़े इजीली मिल जाते हैं। तो आपको अब मैं अपनी कुर्ती दिखाऊंगी। तो ये पहली कुर्ती है, इसकी ऑरेंज कलर की नेकलाइन बनी हुई है, और यहाँ पे ये 4 कलर के बटन्स हैं, और ये प्रिंट चल रहा है कुर्ती का। और नीचे एंड में इसके ये बने हुए हैं, ऑरेंज कलर का पैच है जिसपे ब्लैक कलर की लेस लगी हुई है, और ये बैक से बिल्कुल प्लेन ब्लैक है। इस ये कट स्लीव्स है अभी, बट स्लीव्स इसके अंदर है 3/4 स्लीव्स। सो ये किनमिन कोई ब्रांड है उसका है, ये किनमिन ब्रांड का है, और ये 1875 का उसने बोला था, बट बार्गेनिंग के बाद मैंने इसे 900 रुपीज़ का लिया है। तो ये रियन कॉटन है, और ये गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। ये दूसरी कुर्ती है, इसके ऊपर ये ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का नेक कॉलर बना हुआ है, ये पीच कलर का है, और इसके यहाँ पे बटन हैं कुर्ता पट्टी पे, सिरोस्कीज के बटन हैं, और इसकी भी 3/4 स्लीव्स है, और पैच लगा हुआ है, और ये नीचे से हाई लो है। पीछे वाला जो पोर्शन है, आई होप आपको दिख रहा हो, ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये मेरे एंकल्स तक आता है, और ये थोड़ा सा ऊपर आता है, और ये 800 का उन्होंने मुझे दिया था, ये भी किनमिन ब्रांड का है। ये तीसरा कुर्ता है, और ये कोई श्री ब्रांड का है। मुझे इसका स्टफ बहुत अच्छा लगा, और इसके भी कुर्ता पट्टी, ये भी बैंड नेक है, और इस पर कुर्ता पट्टी पे ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है ब्लैक कलर का, और इसकी भी 3/4 स्लीव्स है, और इसके बैक में भी एक ये फ्लावर बना हुआ है ब्लॉक प्रिंट का, और ये पिंक कलर का है, तो मुझे पिंक बहुत ही पसंद है आजकल पहनना। और इसके नीचे एंड पे ये सब ब्लॉक प्रिंट से बना हुआ है। तो मैंने इसका एक बड़ा साइज़ लिया है, ऐसे तो मुझे 1X और या फिर 2X भी आ जाता है, लेकिन मैंने इसका बड़ा साइज़ लिया है, क्योंकि जो कॉटन कपड़ा होता है हमेशा ही थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है, तो आप हमेशा एक बड़ा साइज़ लिए लें, ताकि श्रिंक भी हो जाए तो आपके पैसे वेस्ट ना हो। और ये 900 रुपीज़ का है। ये फोर्थ कुर्ता जो मैंने वहाँ से लिया था, ऑरेंज कलर का है, मुझे ये केसरिया ऑरेंज बोलते हैं, मुझे ऑरेंज कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसके ऊपर ये ऐसे टक्स बने हुए हैं, और एंकर थ्रेड चल रहा है, और कुर्ता पट्टी तो है ही है, और ये फुल स्लीव्स है, ये थोड़ा खुला टाइप है, जैसे कुर्तेज हम लोग पहनते हैं वैसा है, और ये बहुत ही लंबा कुर्ता है। और सबसे बेस्ट बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे पॉकेट्स बनी हुई हैं, जिसके अंदर मैं
मोबाइल इजीली कैरी कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी कुर्ती पहनो तो पता ही नहीं चलता कि मोबाइल कहाँ कैरी करो, तो स्लिंग बैग लेना पड़ता है। इससे अच्छा है कि कुर्ती में पॉकेट हो। तो ये भी 900 का है और ये भी श्री ब्रांड का है। ये मेरा लास्ट कुर्ता है और ये रेड कलर का है और इसका कोई ब्रांड नहीं है, ऐसे ही था, मुझे पसंद आ गया। तो इस पे ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी चल रही है बेज कलर की, जो बहुत नीचे वेस्ट टमी तक आ रही है। और इसकी भी कुर्ता स्लीव्स हैं और यहाँ पे ये पैच लगा हुआ है जिगजैग प्रिंट का, ऐसा ही सेम पैच इसके नीचे भी लगा हुआ है एंड पर। और ये 1000 रुपीज़ की थी और ये जो भैया था वो बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहा था। तो ये मेरे 5 कुर्तीज़ हो गई। तो ये थी 5 कुर्तियाँ जो मैंने वहाँ से ख़रीदी। कुछ बार्गेनिंग हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। तो और मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय।